हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक रिले। फ्रेंड्स, यदि आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट या इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हैं या आप इलेक्ट्रिकल में काम करते, तो रिले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट होता है, क्योंकि जितनी भी कंट्रोलिंग होती है वो रिले के थ्रू ही होती है। तो रिले का बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने एक ऑटोमेटिक चेंज ओवर बनाया था जिसमें रिले का यूज़ किया था, बट बहुत से जो फ्रेंड्स हैं उन्हें रिले की कंट्रोल वायरिंग समझ में नहीं आई थी। तो फ्रेंड्स, मैं आज रिले के बारे में आपको पूरी बेसिक से समझाऊंगा। फ्रेंड्स, रिले जस्ट क्या होता है? रिले एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच होता है और कुछ नहीं होता। ये सप्लाई को पास करने के लिए जनरली यूज़ किया जाता है। किसी भी चीज़ को ऑन ऑफ करने के लिए जनरली स्विचिंग सर्किट होता है, किसी भी चीज़ को सर्किट को पास करने के लिए। फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, एक कॉइल होती है। सपोज ये 5 पिन रिले है, एक कॉइल होती है। जैसे ये कॉइल एनर्जाइज होगी, ये कॉमन पॉइंट होता है, ये एनसी पॉइंट होता है, ये एनो पॉइंट होता है। फ्रेंड्स, एनसी क्या होता है, नॉर्मली क्लोज होता है। एनसी को देखा जाए तो नॉर्मली क्लोज होता है ये। डेट मीन्स जब तक एनसी से सप्लाई पास होगी, जब तक हमारा रिले एनसी में रहेगा, कंटिन्यू सप्लाई पास होती रहेगी जब रिले बंद कंडीशन में। अब रिले को जैसे ही ऑपरेट होगा, डेट मीन्स ये सप्लाई जो यहाँ पे जा रही थी, इसमें मूवेबल कॉन्टेक्ट होते, सप्लाई यहाँ से यहाँ पर आ जाएगी, तो ये एनो हो जाएगा। एनो का मतलब क्या होता है, नॉर्मली ओपन। मतलब जब रिले ऑफ कंडीशन में रहेगा तब ये नॉर्मली ओपन रहेगा, जैसे ही रिले को सप्लाई मिलेगी ये नॉर्मली क्लोज होकर कॉन्टेक्ट यहाँ पे मिल जाएगा और सप्लाई पास होने लग जाएगी। ये ऑन कंडीशन में, ये मूवेबल कॉन्टेक्ट जब तक बंद रहता है, जब एनसी पे रहता है, जैसे ही सप्लाई से मिलती है, इसकी कॉइल एनर्जाइज होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट जनरेट होता है, तो इसमें मूवेबल कॉन्टेक्ट एनसी से एनओ पर आ जाते हैं। फ्रेंड्स, जनरली रिले बहुत टाइप के होते हैं, हम आपको कुछ बेसिक रिले दिखाएंगे। फ्रेंड्स, आज हम इसके वीडियो में 8 पिन रिले के बारे में बात करेंगे, लेकिन आपको नॉलेज सारे वीडियो रिले का दे देंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये हमारे पास एक 11 पिन रिले है, 220 वोल्ट यहाँ पे है। ये फ्रेंड्स वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करते हैं, इसके अलावा पिन के ऊपर डिपेंड करते हैं। पहले रिले देख लेते हैं। फ्रेंड्स, ये 8 पिन रिले है, 8 पिन रिले, 220 वोल्ट, 240 वोल्ट। फ्रेंड्स, ये 11 पिन रिले का बेस है और ये 8 पिन रिले का बेस है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, 8 पिन रिले के बारे में। फ्रेंड्स, रिले जनरली एसी भी होते हैं, डीसी भी होते हैं, और 12 वोल्ट भी होते हैं, 24 वोल्ट भी होते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर कॉइल। जिस तरह की कॉइल रहेगी उस तरह के रिले रहेंगे। फ्रेंड्स, ये हमारे पास 5 पिन रिले है। 5 पिन रिले में फ्रेंड्स क्या होता है, ये दो कॉइल होती है, ये कॉमन पॉइंट होता है, ये एनो पॉइंट होता है, और ये एनसी पॉइंट होता है। ये फ्रेंड्स हमारे पास एक 14 पिन रिले है। 14 पिन रिले में क्या होगा फ्रेंड्स, 4 कॉमन पॉइंट हो गए, 4 एनो पॉइंट हो गए, 4 एनसी पॉइंट हो गए, इसके अलावा 2 कॉइल के पॉइंट हो गए। मतलब इस रिले से हम जनरली कोई भी 4 चीज को कंट्रोल कर सकते हैं, 4 कॉमन पॉइंट है हमारे पास। फ्रेंड्स, ये हमारे पास देखा जाए तो ये 24 वोल्ट एसी का 11 पिन रिले है। इसमें इसे यदि हम ऑपरेट करना चाहते हैं तो इसकी कॉइल में हमें 24 वोल्ट एसी देना होगा जब ये ऑपरेट होगा। फ्रेंड्स, ये देखिए, एक 24 वोल्ट डीसी रिले है 8 पिन का। फ्रेंड्स, ये रिले को ऑपरेट करने के लिए हमें इसकी कॉइल में 24 वोल्ट डीसी सप्लाई देंगे जब ये रिले ऑपरेट होगा। फ्रेंड्स, आज हम पहले देख लेते हैं 8 पिन रिले का वर्किंग किस तरह होती है। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में इस 8 पिन रिले के बारे में देखेंगे। फ्रेंड्स, 8 पिन रिले में क्या होता है, इसे 8 पिन रिले फ्रेंड्स, इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, 5 एम्पियर तक की। फ्रेंड्स, ये रिले की, हर रिले की एक कैपेसिटी होती है स्विचिंग के लिए। आप इसे 5 एम्पियर कैपेसिटी है तो जनरली 4 एम्पियर तक का ही लोड इससे ले सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें 8 पिन रिले में क्या होगा, 8 पिन होती है तो 2 कॉइल की पिन होती है, ये कॉइल की पिन होती है 2। इसके अलावा पहले इसके कॉन्टेक्ट देख लेते क्या क्या दिए हुए। फ्रेंड्स,
इसका कांटेक्ट बना लेते हैं कि किस तरह वर्क करेगा, उसके बाद इसका देखते हैं। ये 4, 5, 3, 6, 2, 7, 1 और 8। फ्रेंड्स, रिले को देखा जाए तो इसकी 2 और 7 नंबर की जो है पॉइंट, वो कॉइल है। यदि हमें रिले को ऑपरेट करना है तो इसकी 2 नंबर और 7 नंबर में हमें सप्लाई देना होगी जब हमारा रिले ऑपरेट होगा। और देखा जाए तो 1 नंबर और 4 नंबर जो है वो है एनो पॉइंट, एनसी पॉइंट। दैट मीन्स 1 नंबर से 4 नंबर जब रिले ऑफ कंडीशन में रहेगा, सप्लाई पास होती रहेगी। और इसको देखा जाए तो 8 नंबर और 5 नंबर हमारे एनसी पॉइंट है, मतलब 8 से 5 में कांटेक्ट हमेशा रहेगा जब रिले ऑफ कंडीशन में रहेगा। अब हम जैसे ही रिले को ऑपरेट करेंगे तो ये जो एनसी थे ये एनओ बन जाएंगे। तो 4 नंबर की जो सप्लाई जा रही थी वो 3 में आएगी ऑपरेट होने के बाद, और जो 5 नंबर में जा रही थी वो 6 नंबर में आएगी ऑपरेट होने के बाद। मतलब फ्रेंड्स, इसमें देखा जाए तो ये 7 नंबर और ये 2 नंबर, ये दो है हमारी कॉइल के वायर, हमें रिले को ऑपरेट करवाना है, इस कॉइल में सप्लाई देना होगी। इसके अलावा 1 नंबर और 8 नंबर दोनों हमारे कॉमन पॉइंट है। कॉमन पॉइंट इन द सेंस, यहाँ पे हमें जिस चीज़ को कंट्रोल करना है उसकी सप्लाई यहाँ पे दे देंगे, एक 8 में दे देंगे, एक में दे देंगे। और जब रिले हमारा ऑफ कंडीशन में रहेगा तो हमारी सप्लाई जनरली 5 से निकलेगी और यहाँ पे 4 से निकलेगी। ये जनरली देखा जाए, एक्सप्लेन के लिए देखा जाए तो ये हमारे दोनों देखा जाए तो एनसी पॉइंट है। अब जब हमारा रिले ऑपरेट होगा तो ये कॉन्टेक्ट यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, जो 4, 6 नंबर से पास होगी सप्लाई, और 1 नंबर की सप्लाई 3 नंबर से पास होगी। इससे कॉन्टेक्ट इस तरह मूव करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस रिले को जनरली हम 2CO रिले भी कहते हैं। 2CO रिले इन द सेंस, मतलब इसमें 2 कॉमन पॉइंट है, 2 NC पॉइंट है और 2 NO पॉइंट है। मतलब इस रिले से हम जनरली कोई भी दो चीज को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, 8 पिन रिले से 2 लाइट को एक साथ बंद चालू करेंगे। पहले हम देखेंगे दोनों लाइट को एक साथ ऑन करेंगे, दैट मीन्स जब रिले ऑपरेट होगा तो हमारी दोनों लाइट चालू होगी। और दूसरे, उसके बाद में हम क्या देखेंगे कि जब रिले ऑपरेट होगा तो एक लाइट चलेगी, और जब रिले डिस्कनेक्ट होगा तो दूसरी लाइट चलेगी। इसकी कंट्रोलिंग हम फ्रेंड्स देख लेते हैं। हमारे पास जनरली 2 लोड है, सपोज हम उसे प्रैक्टिकली भी देखेंगे, इसका प्रैक्टिकल करेंगे हम। फ्रेंड्स, हमारे पास सपोज क्या है, 2 पॉइंट है। ये हमारे पास मान लेते हैं हम, ये 2 पॉइंट के 2 MCB है, ये 2 बल्ब लगे हुए हमारे पास, इन्हें नाम दे देते हैं बल्ब 1 बल्ब 2। ये MCB मान लेते हैं हम, ये बल्ब 1 के लिए, ये बल्ब 2 के लिए। जैसे सप्लाई जाएगी तो बल्ब 1 यहाँ से ऑन होगा, बल्ब 2 यहाँ से ऑन होगा। अब इसी कंट्रोलिंग हम देख लेते हैं। फ्रेंड्स, हमारे पास सप्लाई है सिंगल फेज, फेज और न्यूट्रल। फ्रेंड्स, हमें सबसे पहले क्या करना होगा, रिले को ऑपरेट करना होगा। रिले को ऑपरेट करने के लिए हम इसमें 7 नंबर में और 2 नंबर में सप्लाई दे देंगे। इससे क्या होगा, हमारा रिले ऑपरेट हो जाएगा। रिले का ऑपरेट होने के बाद हम सिंपली क्या करेंगे, ये सपोज ये हमारे MCB में दोनों की इनकमिंग में सप्लाई चली गई है अभी ऑफ कंडीशन में। अब जैसे ही MCB ऑन होगी तो सपोज ये हमारे एक बल्ब को हमने क्या दे दिया है, 8 नंबर के कॉमन पॉइंट में, और दूसरे को दे दिया है 1 नंबर के कॉमन पॉइंट में। अभी रिले ऑफ कंडीशन में तो अभी कुछ नहीं हो रहा, बस जस्ट सिंपल यहाँ पे सप्लाई आके रुकी हुई है। अब जैसे ही हम यहाँ से सप्लाई देंगे रिले को, 220 वोल्ट जैसे ही जाएगा तो क्या होगा, जो 8 नंबर से जो सप्लाई निकली है रिले के ऑपरेट होने के बाद, कॉन्टेक्ट NC से NO पे आ जाएगा, दैट मीन्स 5 से 6 पे आ जाएगा। तो हम जनरली क्या करेंगे, यहाँ पे सप्लाई निकल के बल्ब 1 को फेज, हम डायरेक्ट इसमें फेज कंट्रोल कर रहे हैं। आप न्यूट्रल भी कर सकते हो, कुछ भी कंट्रोल कर सकते हो, फेज करो चाहे न्यूट्रल करो। दैट मीन्स जैसे रिले ऑपरेट हुआ
आठ नंबर से सप्लाई निकली और हमारा एक नंबर बल्ब ग्लो हो गया, और जैसे रिले ऑपरेट हुआ एक नंबर से सप्लाई निकली और हमारा दो नंबर बल्ब ग्लो हो गया। न्यूट्रल हम दोनों को जस्ट कॉमन कर देंगे। न्यूट्रल डायरेक्ट मिल जाएगा उनको। तो फ्रेंड्स हम इसे प्रैक्टिकल भी बनाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स अभी इसमें हमने 8 पिन रिले के बारे में समझा है, हम आगे 11 पिन रिले के बारे में भी वर्किंग पूरी समझाएंगे और 14 पिन रिले के बारे में भी वर्किंग पूरी समझाएंगे। चलिए फ्रेंड्स इतना बना है, इसे हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। फ्रेंड्स ये हमारे कनेक्शन हो गया है। फ्रेंड्स ये रिले का फेज दिया हमने, ये न्यूट्रल दिया, और ये बल्ब वन के लिए हमारा कॉमन पॉइंट में दिया है, ये बल्ब टू के लिए कॉमन पॉइंट में सप्लाई दी है, जिस तरह ये दी थी हमने यहाँ पे। अब जैसे हमारा रिले ऑपरेट होगा तो ये 8 नंबर से सप्लाई जाएगी और हमारा ये बल्ब ग्लो होगा, और ये 3 नंबर से सप्लाई जाएगी और ये हमारा इंडिकेटर ग्लो होगा। अब जैसे ही हमारा रिले ऑपरेट होगा तो दोनों बल्ब ने ग्लो होना चाहिए। फ्रेंड्स ये कॉन्टेक्टर हमने इसलिए लगाया है क्योंकि फ्रेंड्स रिले जब ऑपरेट होता है तो उसकी आवाज बहुत कम आती है, तो हम उसको ऑपरेट देख नहीं सकते, इसलिए हमने इसकी कॉइल से सप्लाई लेके कॉन्टेक्टर में दे दी है। जैसे हमारा रिले ऑपरेट होगा हमारा कॉन्टेक्टर भी ऑपरेट होगा, जस्ट जो ये हमें इंडिकेशन देगा कि हमारा रिले ऑन हो गया है और रिले ऑफ हो गया है दोनों का बताएगा, और रिले ऑन होने के बाद हमारे दोनों ने ग्लो होना चाहिए। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं इसका कनेक्शन। फ्रेंड्स हम जैसे ऑन करेंगे हमारा रिले ऑपरेट होगा और दोनों लाइट चालू होगी, और इंडिकेशन के लिए कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो रिले है वो ऑपरेट है। देख लेते हैं। ये फ्रेंड्स हमारा रिले जैसे ऑपरेट हुआ हमारा कॉन्टेक्टर ऑपरेट हुआ, प्लस ये लाइट जली और ये इंडिकेटर भी हमारा ऑन हो गया। अब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, फ्रेंड्स ये तो हुई हमारी दो चीज कंट्रोल हुई। अब फ्रेंड्स हम चाहते हैं कि जब हमारा बल्ब जले तो इंडिकेटर बंद हो जाए और जब इंडिकेटर चले तो बल्ब बंद हो जाए। इसके लिए हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, जो हमारा इंडिकेटर की सप्लाई 3 नंबर से जा रही थी उसको हम ले जाएंगे 3 नंबर से नहीं ले जाते हुए 4 नंबर से एनसी पॉइंट से ले जाएंगे। उससे होगा क्या कि जब रिले ऑन रहेगा तब हमारी ये एनओ से निकल के बल्ब ऑन हो जाएगा, जब रिले ऑफ होगा तो इसके एनसी से निकल के ये बंद हो जाए, ये चालू हो जाएगा इंडिकेटर। फ्रेंड्स ये भी करके देख लेते हैं, जब हमारा रिले ऑफ रहेगा जब ये इंडिकेटर जलेगा, जब ऑन रहेगा तब बल्ब जलेगा। फ्रेंड्स हमारी कंट्रोलिंग हो गई है, हमने जस्ट क्या किया है इस एनओ से निकाल के यहाँ के एनसी में दे दिया है। अब हम देख लेते हैं क्या होगा, जब हमारा रिले ऑफ कंडीशन में रहेगा तब हमारी एलईडी जलेगी, छोटा बल्ब जलेगा, और जैसे हमारा रिले ऑफ होगा तो इसके एनओ से निकल के हमारा बल्ब जलेगा। देख लेते हैं फ्रेंड्स, जस्ट इसे चालू करते हैं। फ्रेंड्स अभी जब हमारा रिले ऑफ कंडीशन में है तब हमारी एलईडी जल रही है। अब जैसे हम रिले को ऑपरेट करेंगे तो हमारा बल्ब नहीं जलना चाहिए। ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे रिले ऑपरेट हुआ तो ये एलईडी बंद हो गई, बल्ब चालू हुआ, जैसे रिले बंद होगा हमारी एलईडी चालू हो जाएगी। तो फ्रेंड्स हम इस रिले से 8 पिन रिले से कोई भी दो चीज को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। देख लेते एक बार और, ये बल्ब चला, एलईडी बंद, एलईडी जली, बल्ब बंद। तो फ्रेंड्स इस तरह हम दो चीजों को किसी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। फ्रेंड्स आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों से शेयर जरूर करें और लाइक का बटन जरूर प्रेस करें, और आपने हमारे चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि इस पर हम आपके लिए अच्छे वीडियो बनाते रहते हैं। थैंक्स फ्रेंड्स।